हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विप्रा तीरे पर फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्टूबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जैसे कि हम हर हफ्ते क्वेश्चंस कवर करते हैं उसी प्रकार से इस बार अक्टूबर थर्ड वीक के क्वेश्चंस कवर करेंगे करंट अफेयर्स के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो सके तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उससे पहले फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाए तो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल सके तो चलिए देखते हैं रल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है निधन हो गया है और ये कौन से पोस्ट को बिलोंग करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट को ठीक है केरला के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पोस्ट पे ये रह चुके हैं के के उषा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन फॉरेन सर्विस डे किस दिन को भारतीय विदेश सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड नाइन अक्टूबर नौ अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय विदेश सेवा दिवस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पोस्टल डे किस दिन को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर टेन अक्टूबर दस अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द एनहांस बारोइंग लिमिट फॉर बैंक अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बाई विच डेट आरबीआई ने सीमांत स्थाई सुविधा के तहत बैंकों के लिए बढ़ाई हुई उधार सीमा को किस तारीख तक बढ़ाया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड मार्च थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक इकतीस मार्च 2021 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज इनग्रेटेड फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग पायरल ड्राई पाइन नीडल्स एट चेकोन धनरी विलेज इन डूडा ब्लॉक हिंदी में देखते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले के डूडा ब्लॉक के चकोन धनारी गांव में पिरुल चीड़ के पेड़ की सूखी पत्तियों का उपयोग कर बिजली पैदा करने के लिए पहली पेरोल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हल्द्वानी ठीक है हल्द्वानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज सेटअप अ पैनल टू इवीलेट एंड प्रूफ चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल दिस और अनुमोद होम मिनिस्ट्री ठीक है होम सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह सचिव ठीक है गृह सचिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड लॉन्गेस्ट 360 meters steel bridge barsi bridge on manali leh highway किस नदी पर सीमा सड़क संगठन ने मनाली लेह राजमार्ग पर भारत का सबसे लंबा मीटर स्टील ब्रिज बर्सी ब्रिज बनाया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है जिसका नाम क्या है बर्सी ब्रिज और इसकी लंबाई कितनी थी है तीन मीटर तो ये किस नदी पर बनाया गया है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड भागा नदी ठीक है भागा नदी पर ये बनाया गया है ब्रिज जिसका नाम क्या है बर्सी ब्रिज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच मंथ इज द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ स्तन कैंसर जागरूकता माह कौन सा महीना कौन से महीने में मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अक्टूबर ठीक है अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फोर नहीं अक्टूबर मंथ पूछा है इसलिए अक्टूबर ठीक है अक्टूबर मंथ कौन सा रहता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगा स्वीटेक हैज वॉर्न विमेन सिंगल टाइटल ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन बाई डिफेटिंग अमेरिकन सोफिया कैनन शी इज फ्रॉम विच कंट्री ईगा सोटेक ने अमेरिकन सोफिया कैनन को हरा कर ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है वह किस देश से है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ पोलैंड ठीक है पोलैंड को बिलोंग करती है ईगा स्वेटक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राफेल नडाल वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन बाई डिफेडिंग सर्बियाज नोवाक जोकोविक इज फ्राम विच कंट्री राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हरा कर ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है वह किस देश से है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ स्पेन ठीक है राफेल नडाल कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं स्पेन को चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है चार ग्रैंड स्लैम होते हैं तो इसमें से जो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना और किस कोर्ट पे होता है हार्ड कोर्ट पे उसके बाद में इस इवेंट अगर 2020 की बात करी जाए तो 2020 हजार मैन सिंगल किसने जीता नोवाक जोकोविक ने कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं सर्बिया को 2020 हज़ार वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है सोफिया कैनन ने कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं अमेरिका को फिर उसके बाद में कौन सा होता है फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है क्ले कोर्ट पे अब 2020 हज़ार मैन सिंगल फ्रेंच ओपन किसने जीता है राफेल नडाल ने किस कंट्री को बिलोंग करते हैं स्पेन ठीक है ऐसे ही 2020 हज़ार सिंगल किसने जीता है ईगा सुवातिक ने और ये किस कंट्री को बिलोंग करती हैं पोलैंड ठीक है अब उसके बाद में विमलंडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे जो इस बार कैंसिल हो गया था अब उसके बाद में यूएस ओपन ये कौन से कोर्ट पे ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है 2020 मैन सिंगल किसने जीता डोमिनिक थीम ने जो कि ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते हैं 2020 हज़ार सिंगल यूएस ओपन किसने जीता नाओमी ओसाका ने जो कि जापान को बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में ग्रैंड स्लैम से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है ठीक है और जो ग्रैंड स्लैम का बेसिक होता है कौन से कोर्ट में खेला जाता है कब से स्टार्ट हुआ था ये डिटेल हम इसके ग्रैंड स्लैम के फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा ठीक है और ये ज़रूर याद रखिएगा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज won the chess.com's 2020 junior speed online chess championship by defeating russia's alexey serena किसने रूस के एलेक्सी सेरेना को हराकर chess.com की 2020 उन जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैम्पियनशिप जीती है जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड निहाल सरीन ठीक है निहाल सरीन ने यह चैम्पियनशिप जीती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री वीमेंस टी ट्वेंटी चैलेंज विल बी हैड किस देश में महिला टी ट्वेंटी चैलेंज आयोजित किया जाएगा जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ यू ए ई नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज दुपीज हंड्रेड इन ऑनर ऑफ होम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में सौ रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ विजया राजे सिंधिया ठीक है विजया राजे सिंधिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे एक दिन के लिए है ना कौन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बने तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ चैतन्य वेंकटेश्वरन ठीक है चैतन्य वेंकटेश्वरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन माय वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इट इज ऑब्जर्व ऑन बिच डे माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है यह किस दिन मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड लावन अक्टूबर ग्यारह अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट स्काइन ट्री ट्रांसप्लेशन पॉलिसी टू प्रिजर्व ट्रीज किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पेड़ों के संरक्षण के लिए अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लेशन पॉलिसी लॉन्च की है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ दिल्ली ठीक है दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज दयाला अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स अब वही कलाम ठीक है किसने अपने कविता संग्रह ए वर्जिनियन वेरियर कलाम के लिए वॉरल पुरस्कार जीता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज हजरी रामचंद्रन ठीक है एज हजरी रामचंद्रन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर स्वामित्व योजना ठीक है स्वामित्व स्कीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कर्नाटक बैंक लिमिटेड हु पासड अवे रिसेंटली कर्नाटक बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर है अनंत कृष्णन ठीक है अनंत कृष्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम Scheme in a bid to empower the economically disadvantaged women of the state. किस राज्य ने राज्य के आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक योजना के तहत स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की है तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर है है ऑप्शन नंबर सेकंड असम असम ठीक इस क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट स्टेट हैज पार्टनर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब किस राज्य ने भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी शिप दैट एज बेस्ट शिप इन फ्लिट अबाउट फंक्शन 2020 भारतीय नौसेना के जहाज का नाम क्या है जिसे फ्लिट अवार्ड फंक्शन 2020 में सर्वश्रेष्ठ जहाजों के रूप में चुना गया जिसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर्थ बोथ वन एंड टू यानी कौन कौन सी सहयद्री और कोरा ठीक है सहयद्री और कोरा ये दोनों ही शिप ऐसी है जिन्हें बेस्ट शिप में अवार्ड मिला है किसमें फ्लिट अवार्ड फंक्शन 2020 में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ यू एस थ्री हंड्रेड टेन मिलियन फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग रीपावरिंग ऑफ ह्यूएंस थर्मल पावर स्टेशन किस देश के लिए भारत सरकार ने हाईवे के थर्मल पावर स्टेशन पुनर्विद्युतीकरण के परियोजना के लिए 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड जिम्बॉम्बे जिम्बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव कम्प्लीटली डिजिटल हाई टेक क्लास रूम इन ऑल पब्लिक स्कूल्स कौन सा राज्य सभी सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाई टेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है तो इसका करेक्ट आंसर है

नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व ऑन विच डे किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड थर्टीन अक्टूबर तेरह अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ठीक है यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट लॉ टू इंक्लूड डेथ पेनल्टी एज द हाइएस्ट पनिशमेंट फॉर रेप किस देश ने बलात्कार के लिए मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के लिए एक मसौदा कानून को मंजूरी दी है तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है बांग्लादेश ठीक है बांग्लादेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बांग्लादेश ने क्या किया है कि जो भी बलात्कार के लिए आरोपी होगा उसके लिए मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल किया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द सेवेंथ मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स विल बी होस्टेड बाय होम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की सातवीं बैठक मेर्था की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड रविशंकर प्रसाद ठीक है रविशंकर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ए सीई क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन कोलॉबोरेशन विद गूगल पे एंड वीजा किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर भारत में अपने एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ एक्सिस बैंक ठीक है एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन शुरू की है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड हरियाणा हरियाणा ने क्या स्टार्ट किया है वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिन इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया किसको भारतीय मोटर स्पोर्ट्स बॉडी एफ एम एफ एम एस सी आई के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड अकबर अब्राहिम अकबर अब्राहिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट फोर्टीन इन्वेस्टर्स हैव साइंड एम ओ यूज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट ओवर टेन थाउजेंड फिफ्टी फाइव करोड़ रुपीज़ इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किस राज्य में चौदह निवेशकों ने विभिन्न औद्योगिक परियोजना में दस हजार पचपन करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड तमिल डू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नागालैंड मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड जस्टिस एंड लॉ एंड सिटिंग एमएलए फ्रॉम 51 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हु हैज अवे नागालैंड के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन और न्याय और कानून मंत्री और इक्यावन नोकसैन विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी चांग चांग इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ फार्मर इंडियन फुटबॉलर कैप्टन हु पास जब रिसेंटली पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड कार्ल्टन चैपमैन ठीक है कार्ल्टन चैपमेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन थे ये भारतीय फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं पहले ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनग्रेटेड फोर्टी फोर ब्रिजेस बिल्ड बाय बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी आर ओ एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेची फोर टर्नर इन बच स्टेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित फोर्टी फोर पुलों का उद्घाटन किया और किस राज्य में नेचीपू सुरंग का आधारशिला रखी नेचीपु सुरंग ठीक है नाम याद रखिएगा नेचीपु सुरंग की आधारशिला रखी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अरुणाचल प्रदेश ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट रीसेट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2021. It will be held in which city? The Great Reset विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 का विषय है या किस शहर में आयोजित की जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लूसर्न ठीक है लूसर्न में ये बैठक आयोजित की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फिलेटली डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस किस दिन मनाया गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर थर्टीन अक्टूबर तेरह अक्टूबर को क्या मनाया गया राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन Indian Army and Maharashtra Police organized a joint anti टेरर exercise in Pune. What is the name of exercise? भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन किया अभ्यास का नाम क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर सुरक्षा कवच सुरक्षा कवच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द रिंक ऑफ इंडिया अमंग 158 फिफ्टी एट कंट्रीज इन द ट्वेंटी ट्वेंटी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्विलिटी इंडेक्स भारत को वर्ष 2020 असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में किस स्थान पर रखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ 129 ठीक है अभी भी बहुत पीछे है 129 पे रखा गया है 158 कंट्रीज में से किस में इनइक्वालिटी इंडेक्स में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अज्यूम द पोस्ट ऑफ फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर फॉर डे किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एवा मुर्तो। ठीक है एवा मुर्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन fatfs yes, asia pacific group has kept pakistan on enhanced follow-up list for slow progress against terror financing where is the headquarters of asia pacific group on money laundering एफ ए टी एफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ धीमी प्रगति के लिए पाकिस्तान को बड़ी हुई अनुवर्ती सूची पर रखा है तो मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह का मुख्यालय कहाँ है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर सिडनी ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ली मुरे द 400 मीटर हर्डल चैंपियन एट द 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स हैज़ पासड अवे ही इज फ्रॉम विच कंट्री 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ विजेता चार्ली मुर का निधन हो गया है वह किस देश से थे तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अमेरिका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्राइज हैज़ बिन लॉन्च बाय ब्रिटेन्स प्रिंस विलियम एंड नेचुरलिस्ट डेविड Attenborough to boost climate innovation. ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटन बैरो ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्राइस लॉन्च किया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ अर्थ शॉर्ट प्राइस अर्थ शॉर्ट प्राइस करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायस एंड फ्रांस एज द को प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ टू ईयर्स किस देश को दो साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इंडिया भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अमोमरेटिव कॉइन ऑफ रुपीज से डिनोमिनेशन ऑन द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच डे एफ एओ वॉज स्टैब्लिस्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाद और कृषि संगठन की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर पचहत्तर रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया एफ ए ओ किस दिन स्थापित किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सोलह अक्टूबर 1945 ठीक है 16 अक्टूबर 1945 को FAO है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी फ्लैगड ऑफ अ फोर्थ किसान रेल फ्रॉम व्हिच स्टेशन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्टेशन से चौथी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नागपुर टू आदर्श नगर दिल्ली ठीक है नागपुर से आदर्श नगर दिल्ली यहाँ पे चौथी किसान रेल स्टार्ट की गई है इससे पहले जो तीन किसान रेल है वो कौन कौन सी है वो भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स पहली देवलली एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र से लेकर मुजफ्फर मुजफ्फरपुर बिहार तक फिर दूसरी किसान रेल अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेकर आदर्श नगर दिल्ली तक उसके बाद तीसरी यशवंतपुर कर्नाटक से लेकर निज़ामुद्दीन दिल्ली तक ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग रूलर वेमेंस री साइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड नाइन्टीन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रूलर वुमेन इट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे बिल्डिंग रूलर वेमेन्स रेल री साइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड नाइन्टीन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का विषय है यह किस दिन मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड फिफ्टीन अक्टूबर ठीक है पंद्रह अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ठीक है फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल रूरल वुमन्स डे है ठीक है इंटरनेशनल वुमन्स डे नहीं है यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जलयुक्त शिविर वाटर कंजर्वेशन स्कीम इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट जलयुक्त शिविर जल संरक्षण योजना किस राज्य की योजना है तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सुजल ड्रिंक फ्रॉम

कॉन्स्टिनीता दीता को किडेनिया में होने वाली विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप के लिए एक राजदूत के रूप में नामित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ रोमानिया ठीक है ये किसको किस कंट्री को बिलोंग करती हैं डीता रोमानिया कंट्री को ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पेलिस्तान रेफ्यूजीज इन नियर ईस्ट भारत पूर्व के करीब मौजूद फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में एक का डैश योगदान दिया गया है ठीक है यानी कितने अमाउंट का योगदान दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वन मिलियन डॉलर एक मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज़ वन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी जीता है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड बैंक ऑफ घाना बैंक ऑफ घाना ने क्या जीता है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड हु हैज द गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर्थ मार्क कार्णी ठीक है मार्क कार् इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर बैंक का पूछा जाए ठीक है अभी हमने बैंक का देखा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता किस बैंक ने जीता है तो आंसर होगा बैंक ऑफ घाना लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड गवर्नर का पूछा जाए तो क्या होगा मार्क कार् ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज गिवन रेगुलेटरी अप्रूवल टू अ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन नेम्ड एपीवैक कोरोना किस देश ने कोविड नाइन्टीन वैक्सीन को विनियामक स्वीकृति प्रदान की है जिसका नाम है एप्पी कोरोना ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रशिया रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्स डे इज ऑब्जर्व एज द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड फिफ्टीन अक्टूबर पंद्रह अक्टूबर को क्या मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एटी नाइन्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वॉज ऑब्जर्व विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की एटी नाइनवीं जयंती किस दिन मनाया गया तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड फिफ्टीन अक्टूबर पंद्रह अक्टूबर को क्या मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया विल बी डिलीवर अलो क्लास सम्वरिन आई एन एस सिंधुवीर टू विच कंट्री भारत किस देश को किलो वर्ग पंडुपी आई एन एस सिंधुवीर देगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर म्यांमार ठीक है म्यांमार को आई एन एस सिंधु दी जाएगी किसके द्वारा भारत के द्वारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुए रिसेंटली भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भानु अथे ठीक है भानु भानुअ का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ ज्ञानपीठ अवॉर्डी री नोन्ड मलयालम पोएट हु हैज पास अवे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम कवि का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो उसका करेक्ट आंसर है अकितम अच्युतन नम्बू दरी ठीक है अकितम अच्युतन नम्बू दरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है। ये ज्ञानपीठ अवॉर्डी हैं मलयालम के कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्टूबर थर्ड वीक के ये पार्ट वन था अभी हम पार्ट वन में और बचे हुए क्वेश्चंस कवर करेंगे और आगे के हफ्ते के आगे के वीक्स के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो कवर करेंगे तो फ्रेंड्स जो भी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जरूर जुड़ी कीजिएगा शिप्रा तीरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा ठीक है आपने इस वीडियो का आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जय श्री महाकाल